मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एट्रियस वाईटी। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं फिनिक्स ओएस आरओसी में पबजी मोबाइल खेलते समय एक्सट्रीम एफपीएस कैसे अनलॉक करें। ऑफिशियल फिनिक्स ओएस में एक्सट्रीम एफपीएस का ऑप्शन अवेलेबल होता था, बट लेटेस्ट आरओसी वर्जन में एक्सट्रीम ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हालांकि प्ले स्टोर पर काफ़ी एप्स अवेलेबल हैं लाइक GFX टूल और VAGT, जिनके थ्रू हम 60 FPS पर गेम खेल सकते हैं, बट ये ऐप्स बैकग्राउंड में रन करते हैं जिससे गेम लैग करता है। इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र खोलना है जिसमें फिनिक्स ओएस आरओसी का कोई भी वर्ज़न सर्च करना है और पेज के सबसे नीचे आ जाना है। इसमें ट्यूटोरियल्स में अनलॉक FPS लिमिट ऑन 8.1 एक्सट्रीम FPS डाउनलोड लिंक दिख रही है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इस ऐप का नाम है GL Tools। इसके फीचर के बारे में बात करूँ तो ये किसी भी ऐप के रिजोल्यूशन को चेंज कर सकता है, ग्राफिक्स और टेक्सचर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, FPS काउंटर शो करता है और भी काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। ओपन कर लेते हैं GL Tools को। आप इसमें किसी भी ऐप या गेम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, तो हमें सेलेक्ट करना है पबजी मोबाइल। यहाँ पर इनेबल कस्टम सेटिंग फॉर दिस ऐप, इस बॉक्स को चेक करना है और यूज FPS काउंटर में ऑन स्क्रीन सेलेक्ट करना है। यूज फेक GPU इन्फो और यूज फेक CPU RAM इन्फो, इसको बॉक्स को चेक करना है। फिर यूज़ अ टेम्पलेट में जाना है और इसमें फेक GPU देना है, माली G72। अगेन यूज़ अ टेम्पलेट में जाना है और 8 CPU सेलेक्ट करना है। अगेन यूज़ अ टेम्पलेट में जाना है और मैक्सिमम रैम 8 GB रैम सेलेक्ट करनी है। नीचे इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं, फिलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अब इस ऐप को गेम से पहले रन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली सिक्योरिटी में जाकर इस ऐप को ऑटो रन में इनेबल कर देते हैं और जब भी फिनिक्स ओएस स्टार्ट होगा ये कॉन्फ़िगरेशन गेम के लिए अप्लाइड रहेंगी। और अब पबजी मोबाइल ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि ग्राफिक्स में एक्सट्रीम फ्रेम रेट ऑप्शन आया या नहीं। चलते हैं सेटिंग्स में, ग्राफिक्स, और आप देख सकते हैं स्मूथ में एक्सट्रीम फ्रेम रेट सपोर्ट कर रहा है, बैलेंस्ड HD और HDR में अल्ट्रा फ्रेम रेट सपोर्ट कर रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में स्मूथ पर एक्सट्रीम फ्रेम रेट सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है आपके सिस्टम में हाई ग्राफिक्स पर एक्सट्रीम फ्रेम रेट सपोर्ट करे। अब इन सेटिंग्स को अप्लाई कर देते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।